जनपद में जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुआ, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि जुमे की नमाज को देखते हुए जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की गई है, जिसमें पुलिस व मजिस्ट्रेट संवेदनशील क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा सभी मस्जिदों पर पीएससी व पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा, जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए पहले से मुस्लिम धर्म गुरुओं से संवाद किया जा चुका है, कहीं पर भी गड़बड़ी की आशंका नहीं है। सभी अधिकारी थाना प्रभारी भ्रमण कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से क्षेत्रों का जायजा लिया गया है। एलआईयू टीम भी सूचना इकट्ठा कर रही है। अगर कहीं से भी कोई अराजक तत्व सामने आता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए सेक्टर स्कीम लागू की गई है, जिसमें पुलिस और मजिस्ट्रेट साथ में घूमेंगे। साथ ही पीएसी व अन्य पुलिस बल को भी तैनात किया गया है जगह जगह पर। इसमें पूर्व से लोगों से संवाद किया जा रहा था और कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं है। फिलहाल सभी अधिकारी 12 बजे से राउंड पे रहेंगे, सभी थाना प्रभारी राउंड पे रहेंगे और जगह जगह जो संवेदनशील बिंदु हैं वहाँ पर पुलिस तैनात की गई है दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ में। और इसमें ड्रोनों के माध्यम से हमने पूर्व में रेकी भी करवाई है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एलआईयू जो है अपने स्तर से अलग सूचना संकलन कर रही है, कहीं कोई सूचना आते ही तत्कालिक अगर कोई अराजक तत्व सामने आता है तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।